फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन, जहां मैं बात करती हूं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। एंड मैं हर एक अल्टरनेटिव डे पे वीडियोस अपलोड करती हूं एट 5 PM। सो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये है ब्लशेस के ऊपर, टॉप 10 अराउंड ब्लशेस है। मैं इसमें से आपको ये बताऊंगी कि कौन से ब्लशेस वेस्ट ऑफ मनी है, आपको नहीं खरीदने चाहिए, एंड कौन से आप खरीद सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। अभी सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ केप लेके ब्लशेस। केप लेके ब्लशेस में थ्री सेट के ब्लशेस आते हैं। तो ये पहला फर्स्ट वन है, वो ये पिंक कलर में है कुछ इस तरह से, जिसका भी स्क्वैचेज होगा मैं साइड में इस तरह से आपको दिखाती रहूंगी। एंड ये इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। केप लेके मैंने जो दोनों अभी यूज किए हैं, दोनों के काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड इसका MRP 645 है फ्रेंड्स, बट ये मैंने MRP पे नहीं खरीदा था, इसको भी मैंने 300 समथिंग में ही इसको खरीदा था। एंड इसका नंबर है वो 02 जूसी स्ट्रॉबेरी है इसका नाम। एंड आप कोई पिंक टोन्ड में अगर कोई देख रहे हो, और अगर आप ऐसा कोई ब्लश खोज लेना चाह रहे हो ना फ्रेंड, जो आपके मतलब चिक को ब्लश ही करे, मतलब एकदम लाइट ना दिखे, कि एकदम ब्राइट सा, एकदम दूर से ही पता चल रहा है, नेचुरल समथिंग कुछ आप खोज रहे हो ब्लश की, आपके चिक पिंकिस थोड़े नेचुरल सेड में लगे, तो वो आप इस ब्लश के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। एंड सेकंड वन जो है पीच ब्लश है, ये माई ग्लैम का के प्लेस है, वो कुछ इस तरह का है, यू कैन सी। एंड ये थोड़ा ऑरेंजी सेड में है, बट इसको आप जैसे ही ओपन करोगे ना, इतना स्मेल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली पिंक वन से, बट इसकी भी पिगमेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी है। और ये वाला सेट ना, क्योंकि हर जगह ना आप पिंक वन लगा के नहीं जा सकते हो, तो ये वाला सेट भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ड्यू ब्लश दिखाती हूँ, ये दो सेट में आता है फ्रेंड्स। ये इधर आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क पिंक में है, एंड इधर थोड़ा सा लाइट पिंक में है। एंड इसका भी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा, वैसा कुछ फ्रेग्रेंस तो नहीं लग रहा है इसमें, बट हाँ मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ फ्रेंड्स, तो ये इसको दोनों को मिक्स करके लगाने के बाद इसका मतलब जो कलर इफेक्ट है काफी ज्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो पार्टिकुलर भी लगा सकते हैं, बट अगर आप मेरा माने तो इन दोनों को मिक्स करके लगाओगे तो पीची पिंकिश सा शेड आता है, एंड काफी ज्यादा अच्छा है। ये भी बहुत ज्यादा ब्लेंडेबल है। फेसेस कनाडा का यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मेरा ये ब्राउजर जो है इसका टूट गया था, तो मैंने इसको अलग ही रख दिया है। इसमें तीनों चीज आ जाते हैं, ब्लश, ब्राउजर एंड हाइलाइटर। इसका ब्राउजर काफी ज्यादा अच्छा है, बट फ्रेंड्स इसका मैं आपको नहीं बोलूंगी कि ये वाला पैलेट खरीदने, बिकॉज ये वर्थ ऑफ मनी मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ये मैंने मतलब इसको मैंने प्राइस में ही खरीदा। आई थिंक इसका 899 इसका प्राइस है। एंड ये उतना ज्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है। मेरे को फेसेस कनाडा के एक चीज और भी मैंने यूज किया हुआ है, तो मेरे को इस ब्रांड से मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं होता है, क्योंकि मैं एक स्विस ब्यूटी का आपको ब्लश दिखाती हूँ। इस ना आप ब्राइट पिंक कह सकते हो आप इसको, जो कि वो कुछ इस तरह है। एंड इसके साथ जो ये ब्लश है, इसमें पूरा ग्लिटरी पार्टिकल्स है। अभी तक मैंने जो भी आपको दिखाया है ना ब्लश, उसमें कोई भी ग्लिटर वाले नहीं थे। एंड इसमें ये ग्लिटरी मतलब गोल्डन ग्लिटर के साथ ये आता है ये वाला। इसको जो ब्राइडल है मतलब जिनकी शादी होने वाली है, वो इसको परचेज कर सकते हो, या फिर आपके घर में शादी है, आपको मतलब पर्सनली आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि चलो नेक्स्ट पैलेट मैं आपको दिखाती हूँ, लॉरियल पैरिस का। ये मैं ना इतनी ज्यादा इसको पसंद करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा पैलेट है, देख सकते हो इसका जो कलर है कुछ इस तरह से है, मतलब देखने में आता है। एंड इसका नंबर है 08 CT Explore। एंड फ्रेंड्स ये मतलब कहीं भी आप लगा सकते हो, आप कॉलेज गर्ल हो, ऑफिस जाने वाले हो, ऑफिस की कोई पार्टी है, एंड शादी है, तो भी आप लगा सकते हो ये पीच सेड में। ये आपके चिक पे ना एक अलग सी साइन देती है। मैंने अभी तक जितने भी साइनी ग्लिटरी वाले ब्लशेस को अप्लाई किया है, उसमें से ये अगर मैं कहूँ तो दी बेस्ट पैलेट है। अगर आप कोई ग्लिटर सेड में लेना चाह रहे हो जो नेचुरल लगे फेस के ऊपर, तो ये लॉरियल वाला ब्लश काफी ज्यादा अच्छा है। ये ब्लश ना
फ्रेंड मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था 120 रुपीज में, एंड लोकल मार्केट में अगर इस तरह का कोई पैलेट मिलता है जो कलर आपको कभी कभार लगाना है, मतलब कोई ऐसा कलर भी होता है ना जैसे कि हम उसको डेली वेज में नहीं लगा पा सकते हैं और डेली यूज नहीं कर पाते हैं, तो आप पार्टिकुलर एक फंक्शन के लिए मतलब कुछ ऐसे पैलेट में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको भी मैंने बहुत बार यूज किया है। थोड़े महंगे साइड पे चलते हैं। रेवोल्यूशन का ये वाला ब्लश का पैलेट खरीदा था जिसमें एक मतलब आपको मिल जाता है, और ये जो ब्लश है फ्रेंड्स इसके कुछ इसी सेक्शन में आप देखोगे ना तो ये वाले को ना एज अ आप हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो, एंड इसको भी हाईलाइटर की तरह यूज कर सकते हो। बाकी ये जो ऊपर जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे पिंक शेड में कोई लाइट कोई उससे थोड़ा पीची एंड कोई ब्राइट पिंक है, तो ये है ये ट्रायोलॉन करके एक है, ये यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरह इसकी पैकेजिंग आती है। ये बहुत स्टडी है, बहुत अच्छा पैकेजिंग है इसका, एंड देखोगे तो यहाँ पे पर्पल पीच के कुछ शेड आपको मिल जाते हैं, कुछ ब्राउन के शेड मिल जाते हैं, कुछ पिंक का शेड मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है आपने इतना ज्यादा इसमें पैसे लगाए हैं तो आपको मतलब ये मैंने कितने में खरीदा था, अराउंड 2000 के अराउंड मैंने इसको लिया था जब मैंने, अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, आई थिंक 1600-1700 रुपए है अभी इसका प्राइस। बट फ्रेंड्स अगर आप किसी चीज में ज्यादा पैसे लगाते हो तो आपको चीज भी अच्छी मिलती है, लेके आप यूज कर सकते हो। बट के प्ले में पीची सेट मत लेना, पिंक वाले सेट लेना, एंड पीची सेट के लिए आप ये वाला पैलेट खरीदना। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं आपको ये लॉरियल का ये वाला ब्लश आपको बोलूंगी कि एक पिंक सेट में रख लो आप इसमें केप लेके, एंड वन ये लॉरियल पेरिस का ये वाला सेट रख लो, तो आपको कोई ब्लश की मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इतना सारा कलेक्शन मैंने आपको अपना दिखाया। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।